तो हम लोग डाटा विश्लेषण पढ़ रहे हैं। डाटा विश्लेषण का मतलब क्या होता है कि जो हम एंट्री कर रहे हैं उसमें गलत वैल्यू स्वीकार ना करें। जैसे हम यहाँ नाम देखें, हमने नाम एंट्री किया है अशोक मिश्रा, ये नाम तो ठीक है, भी से ठीक है नाम, मतलब अच्छा रहे और कुछ यहाँ पे है, ये नाम तो नहीं होना चाहिए। जैसे राम सिंह, ये नाम हमारा है। मोबाइल नंबर देखें, ये नंबर ठीक है एक बार, और ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, ये ज़्यादा ठीक नंबर है। तो हम क्या चाहते हैं कि हम दोनों में लिमिट चाहते हैं कि पर्टिकुलर जो एंट्री हम कर रहे हैं वो टेक्स्ट या नंबर ही हो, और साथ ही उसकी लेंथ भी चाहते हैं। जैसे हम नाम लिख रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे मोबाइल नंबर पहले लेते हैं, हम चाहते हैं यहाँ पे क्या केवल नंबर ही आए, नंबर के अलावा कोई यहाँ पे वैल्यू स्वीकार ना करे। तो हमने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया जहाँ तक हम चाहते हैं, और डेटा का जो कमांड है, डेटा विलेशन कमांड, हमारा कहाँ है, डाटा टाइप में है, डाटा में गए। यदि हम केवल ये चाहते हैं कि यहाँ पर केवल नंबर आए तो ये तो काम सरलता से हो जाएगा। हम कहाँ जाएंगे, डाटा टाइप में गए, और कहाँ गए, डाटा वैलिडेशन में क्लिक किया हमने। ये एनी वैल्यू हमने क्लिक किया यहाँ पे, और यहाँ से ले लिया होल नंबर, क्योंकि मोबाइल नंबर जो पूर्णांक नंबर होता है, कभी दशमलव में नहीं होता है। तो हमने क्या कर दिया, होल नंबर ले लिया। यहाँ पे कुछ भी डाल, मिनिमम डाल दिया हमने, मान ली डाल दिया जीरो डाल दिया, और मैक्सिमम कोई संख्या डाल दी। इसका मतलब क्या है, जीरो से कम नहीं लेगा, इससे बड़ी संख्या नहीं लेगा, क्योंकि मोबाइल में नेगेटिव तो नहीं होता, कभी नेगेटिव नहीं होता है। हाँ भाई, एक एग्जाम्पल में हमने जीरो लिख दिया, एग्जाम्पल में जीरो लिख दिया हमने, कि मोबाइल नंबर नेगेटिव हमारा होता नहीं, मोबाइल नंबर नेगेटिव, इसमें जीरो लिख दिया हमने, और क्या ओके कर देंगे। सिंपली हम यहाँ पे 9 और 10 बार कर देते हैं, 99, कि मोबाइल नंबर जो होता है 999 से आगे तो होता नहीं है। और ये हमने ओके कर दिया, तब क्या होगा, यहाँ पर हम अगर अंक डाल रहे हैं तो ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा डाल रहे तो नहीं ले रहा है, एरर दे रहा है। नंबर नेगेटिव डाल रहे हैं तब भी नहीं ले रहा है, कि जीरो से कम नंबर है हमारा, यानी यहाँ पे तय हो गया कि जीरो से कम नहीं लेगा, और क्या होगा, इससे बड़ी संख्या भी नहीं लेगा, ये बड़ी संख्या हो गई है। तो ये एक सिंपल रेंज हमने तय कर लिया। यहाँ पे क्या तय हो रहा है कि क्या होगा, ये टेक्स्ट को स्वीकार नहीं करेगा, और निगेटिव नंबर नहीं लेगा, और दशमलव नंबर नहीं लेगा। जैसे दशमलव नंबर 23.4 कर रहे हैं तब भी नहीं लेगा, कि हमने होल नंबर किया हमने, ये मतलब पूर्णांक का नंबर ही लेगा, दशमलव का नंबर नहीं लेगा। तो अगर हम चाह रहे हैं कि मोबाइल नंबर 10 अंकों का ही ले, तो फिर हम फार्मूले यूज करने पड़ेंगे। तो हम इसको हटा देते हैं, हमने पूरा फिर सेलेक्ट किया, और मैं कहाँ गए, इसको डिलीट कर दिया हमने एक बार, पूरा डेटा, पूरी एंट्री हमने क्लियर कर दी है जो पहले से एंट्री है। और फिर से कहाँ गए, डाटा में गए, और कहाँ गए, डाटा वैलिडेशन में गए, और यहाँ से इस बार के लिए हमने कस्टम लिया है। कस्टम का मतलब क्या है, हम फार्मूला बनाएंगे, तय करेंगे, और जो नंबर उस फार्मूले को पूरा करेगा वो स्वीकार होगा, और बाकी स्वीकार नहीं होगा। ये तो बाकी डिफाइन है, हम कस्टम में क्या कर सकते हैं, कंडीशन एक से ज़्यादा लगा सकते हैं, बाकी कंडीशन एक ही है, यहाँ हम कंडीशन मल्टीपल कंडीशन कर सकते हैं। हमने क्या कस्टम कर लिया यहाँ पर, तो यहाँ हम फार्मूला लिख रहे हैं। तो हमने लिखा बराबर इस नंबर, इज नंबर, NUMIS, NUMBER स्पेलिंग है, इज नंबर मतलब क्या ये नंबर है, ये पूछेगा, चेक करेगा, छोटा कोष्टक शुरू, इज नंबर, NUMBER स्पेलिंग लिखेंगे हम, कोष्टक हमने शुरू किया है, और क्या किया, जो पहला सेल है मोबाइल की, जो पहला सेल जैसे यहाँ H2 है, हमने यहाँ क्लिक कर दिया और कोष्टक बंद कर दिया। तो हमने क्या किया यहाँ पे, ये फर्स्ट सेल में क्लिक कर दिया और कोष्टक बंद कर दिया और ओके कर दिया। तब क्या हो रहा है, यहाँ पर हम अंक लिख रहे हैं, अंक स्वीकार कर रहा है, अक्षर स्वीकार नहीं कर रहा है, अंक ले रहा है। अगर हम अक्षर बीच में लिखे तब भी नहीं ले रहा है, देखिए ऐसा नहीं कि बीच अक्षर कर देंगे तो ये लेगा, अक्षर क्या नहीं ही लेगा, केवल क्या लेगा, अंक ही लेगा। ठीक है, अभी दिक्कत क्या है, हम 10 अंक चाह रहे हैं, अभी 10 अंक का कंडीशन हमारी
नहीं लगी है, हम चाहते हैं क्या कि जो लंबाई है उसकी क्या रहे, 10 ही रहे। तो ये कैसे करेंगे हम, हमने क्या किया, सेलेक्ट किया पो डिलीट किया, फिर से डाटा वैलिडेशन में गए, क्या करेंगे हम, ये कंडीशन तो हमारी है ही है, साथ ही क्या करेंगे, लेंथ क्या कर 10 कर देंगे लेंथ को। हमने क्या किया, ये बाहर लिखा एंड, एंड का मतलब क्या है, जब हम चाहते हैं एक से ज़्यादा कंडीशन एक साथ पूरी हो तो क्या करते हैं, उसको हम एंड में लिखते हैं। एंड क्यों लगा रहे हैं, कि दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू हों। एक कौन सा कंडीशन, इस नंबर, यानी क्या चेक करें, यहाँ पे नंबर ही है। साथ ही क्या हमने क्या किया, यहाँ लगाया कामा और क्या कर रहे हैं, इसकी लेंथ चेक करें, LEN लेंथ चेक करें, किस सेल की, H2 सेल, जो सेल जिसमें एंट्री हम कर रहे हैं, इसकी लेंथ हमारी क्या होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। दो कंडीशन दी हमने यहाँ पे, पहले कंडीशन क्या है कि जो संख्या जो एंट्री की गई वो नंबर ही होनी चाहिए, और दूसरी क्या है, उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। और दोनों कंडीशन एंड के अंदर हैं, इसका मतलब क्या है, अगर दोनों में से कोई कंडीशन फॉल्स है तो स्वीकार ये नहीं करेगा। अगर हम ओके कर रहे हैं, अब हम एंट्री कर रहे हैं, ये हमने एंट्री किया, नहीं ले रहा है, क्यों, दशांक नहीं है। एंट्री करें 9876543210, ले लिया इसने, दशांक ही है। हम 11 करते हैं, 9983165432100, 11 भी नहीं ले रहा है, क्या ले रहा है, केवल वो 10 अंक ही लेगा, ना 9 लेगा ना 11 लेगा, 10 अंक ही स्वीकार, बाकी स्वीकार वो नहीं करेगा, अक्षर तो बिल्कुल नहीं लेगा। और सुधार चाहते हैं आप, देखिए मैसेज क्या आ रहा है, दिस वैल्यू डज नॉट मैच डाटा वैल्यूएशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। ये मैसेज कई बार समझ में नहीं आता, हम चाहते क्या है, मैसेज क्या दे कि 10 अंक का नंबर एंटर करें, तो काम सरल हो जाएगा एंट्री करना। हमने इसे कैंसिल किया, हम फिर से आगे वैलिडेशन में, और हमने क्या किया, हम इरर अलर्ट दे दिया, हमने क्या है मोबाइल नंबर, और हमने क्या लिखा, प्लीज इंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर। ये संदेश हम शो करना चाहते हैं, ये हमने ओके कर दिया। अब हम अगर कुछ भी मैसेज कर रहे हैं, तो क्या मैसेज आ रहा है, प्लीज इंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर, तो क्या होगा, जो एंट्री कर रहा है उसको समझ में आ जाएगा कि आप क्या करना है, 10 अंक का नंबर देना है, तो काम उसके लिए सरल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम कहीं भी एंट्री करेंगे, केवल अंक लेगा, और कितने अंक लेगा, 10 अंक का ही लेगा, बाकी नहीं लेगा। ऐसी नेम में हम चाहते हैं कि नाम में हमारा नंबर स्वीकार ना करे, तो हम कैसे करेंगे, हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया जहाँ तक चाहते हैं, और सेम हम कहाँ गए, डाटा वैलिडेशन में गए, डाटा टाइप में डाटा वैलिडेशन है, यहाँ पर गए, और यहाँ से हमने ये विकल्प, टेक्स्ट का विकल्प यहाँ भी है, टेक्स्ट आप ले सकते हैं, टेक्स्ट लेंथ दे सकते हैं, लेकिन यहाँ से दिक्कत वही होगी, हम कंडीशन बढ़ा नहीं सकते हैं, हम चाहते हैं लेंथ भी चाहते हैं, तो हमने क्या कस्टम कर दिया इसको, और हमने यहाँ क्या कर दिया, बराबर इज टेक्स्ट, और यहाँ हमने क्लिक कर दिया नेम के नीचे वाले सेल में, और ये कोष्टक बंद कर दिया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर टेक्स्ट के अलावा कोई स्वीकार वो नहीं करेगा। अगर हम एंट्री कर रहे हैं, नहीं ले रहा है, टेक्स्ट कर रहे हैं, ले लिया इसने, हम एंट्री कर रहे हैं, टेक्स्ट के बाद अगर नंबर है उसको रीड नहीं करता, वो उसको टेक्स्ट ही मानता, पहले अच्छा का टेक्स्ट है क्या मानता, उसको टेक्स्ट ही मानता ही है। तो यहाँ पे क्या है आपका, ये हमने तय कर दिया कि नंबर से शुरुआत हमारी नहीं होगी, शुरुआत किससे हमारी, टेक्स्ट से होगी। अब हम चाहते हैं लेंथ, चाहते हैं लेंथ क्या करना, लेंथ इसकी निश्चित लेंथ हो जाए कि 15 से ज़्यादा अक्षर हैं स्वीकार ना करे, ये हम कैसे करेंगे, हमने फिर से पूरा सेलेक्ट कर लिया, और ये डेटा पहले हमने डिलीट कर दिया, डाटा वैलिडेशन में गए, कंडीशन पहले से लगी हुई है, हमने क्या किया एंड लगाया, एंड कब लगाते हैं, जब हमें एक से ज़्यादा कंडीशन देनी होती है तो हम एंड लगा देते हैं। एंड का मतलब क्या है कि जितनी कंडीशन कोष्टक में दी हैं सारी एक साथ ट्रू होंगी तो ही स्वीकार करेगा, नहीं स्वीकार उसको नहीं करेगा। ये कंडीशन एक लगी है, हमने कामा लगाया और लिख दिया LEN लेंथ, क्लिक कहाँ किया, नेम के नीचे सेल में जहाँ एंट्री करनी है, और क्या किया हमने इसको लेस आर इक्वल टू 15, यानी 15 से छोटा या बराबर लेंथ होनी चाहिए, उससे ज़्यादा लेंथ हमारी
नहीं होनी चाहिए। कोष्टक गलत बंद हो गया था, लेस आर इक्वल टू 15, ये हमने कर दिया, एंटर कर दिया। अब हम लिख रहे हैं नाम, यहाँ पे नहीं ले रहा है क्योंकि लेंथ क्या है, ज्यादा है। हम अगर लिख रहे हैं इसको, इसने क्या है ले लिया है, यानी यहाँ पे 15 से ज्यादा, 15 से अधिक का नहीं लेगा, कम का नहीं लेगा। हमने नियम ही रखा है कि कम ले लेगा, 15 से अधिक अक्षर स्वीकार वो नहीं करेगा। तो इस तरह विलेशन तय कर सकते हैं आप, मिनिमम भी तय कर सकते हैं कि 3 से कम अक्षर ना ले। अभी तो क्या है, मैंने एक अक्षर लिखा तब भी नाम ले लिया। हम ये भी तय कर सकते हैं कि क्या करें कि निश्चित संख्या से कम ना ले, जैसे नाम किसी का राम नाम हुआ, तभी 3 से अक्षर किसी कम किसी का नाम होता नहीं है, तो हम ये भी तय कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि मिनिमम अक्षर भी तय कर दें हम, तो हम ये भी तय कर सकते हैं, वही सेम रूल लगाएंगे हम। तो जिस तरह हम चाहें उस तरह विलेशन हम लगा सकते हैं। विलेशन मतलब क्या, हम क्या करते हैं, एंट्री जो कर रहे हैं उन्हें हम गलत डेटा इंटर करने से रोक देते हैं, और मैसेज भी हम प्रॉपर जिसको कर सकते हैं। मोबाइल नंबर में क्या कर दिया है, अगर यहाँ पर हम गलत नंबर दे रहे हैं, प्रॉपर मैसेज आ रहा है प्लीज इंटर 10-digit मोबाइल नंबर। इसका फायदा क्या है, जिसने गलत एंट्री किया उसको अंदाजा लग जाए कि हमें क्या एंट्री करना है। ये हम कहाँ से करते हैं, जो मैसेज देते हैं, मैसेज कहाँ से देते हैं, डाटा एडिशन में। ये हमारा जो कैटेगरी है एक एरियर अलर्ट, हम यहाँ पर जाके क्या तय कर सकते हैं कि क्या मैसेज शो करे यदि इनपुट किया गया डेटा हमारे अनुसार नहीं है। तुमने भी क्या देखा है डाटा एडिशन में, क्या देखा हमने, मोबाइल नंबर इंटर करना जिसमें केवल नंबर ही आए, साथ ही क्या है 10 अंक का नंबर ही ले। साथ ही क्या देखा, टेक्स्ट में केवल क्या रहे अक्षर ही ले, और क्या लिया हमने 15 अक्षर से ज्यादा का नाम स्वीकार ना करें। साथ ही हमने क्या सीखा, प्रॉपर एरर मैसेज शो करना। एरर मैसेज कब शो करेगा, यदि इनपुट किया गया डेटा हमारा सही नहीं है।